बॉलीवुड के लिए यह साल बेहद ही मनहूस रहा है। एक के बाद एक इंडस्ट्री के बड़े कलाकार खोए हैं। वहीं अब हिंदी सिनेमा के लेजेंड एक्टर दिलीप कुमार के परिवार से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिलीप कुमार के छोटे भाई असलम खान का निधन हो गया है। असलम खान का निधन आज सुबह हुआ है। उनके निधन की खबर से परिवार को गहरा सदमा लगा है। असलम खान ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में अंतिम सांस ली है। बता दें कि हाल ही में दिलीप कुमार के छोटे भाई एहसान खान और असलम खान दोनों का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया था। इसी के बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। असलम और एहसान खान दोनों को ही सांस फूलने की शिकायत थी। इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी थी। दोनों को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। एहसान खान 90 साल के थे जबकि असलम खान उनसे कुछ साल छोटे थे। रविवार को दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो ने कोरोना वायरस का प्रशिक्षण पॉजिटिव आने के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया था। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर जलाल पारकर ने उनकी हेल्थ से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि दोनों भाइयों को बीते रविवार को नॉन वैसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। इससे पहले 97 वर्षीय दिलीप कुमार ने प्रशंसकों से घर के अंदर रहने और कोरोना वायरस संकट के बीच जीवन बचाने का अनुरोध करते हुए एक सुंदर कविता लिखी। उन्होंने ट्विटर पर 4 लाइन की कविता साझा करते हुए सभी से लॉकडाउन का पालन करने का आग्रह किया था। दिलीप कुमार ने लिखा था, दवा भी दुआ भी औरों से फासला भी, गरीब की खिदमत कमजोर की सेवा भी। चैनल फिल्मी अड्डा से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट।